हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक ऐसी चीज़ देखने वाले हैं कि हम सब ने वो स्कूल में पढ़ा ही होगा, उस आइडेंटिटी के बारे में जानते ही होंगे, और पर ये नहीं पता होगा कि वो आया कहाँ से है या कैसे है, या बहुत बच्चों को नहीं पता होता या बहुत बहुत जानते भी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये आइडेंटिटी जो है वो आइडेंटिटी क्या है, बेस सेम हो, पावर डिफरेंट है, तो डिवीजन में वो क्या हो जाती है, उसकी पावर माइनस हो जाती है। तो ये पावर माइनस होने के वजह से ही एक्स की पावर जो जीरो होती है, किसी की भी पावर जीरो होती है, वो वन हो जाती है। तो कैसे हो जाती है, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। देखिए, एक्स की पावर एम डिवाइड बाय एक्स की पावर में एन, हम इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रखा है एक्स की पावर में एम अपॉन एक्स की पावर में एन, और इसको एज इट इज लिख दिया है। दोनों का मतलब क्या है, सेम है, दोनों को हम ऐसे करके लिख सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम इन दोनों के पावर को सेम कर दें, तभी तो वो वैल्यू जीरो आती है उसकी पावर। अगर वो पावर सेम नहीं हो तो वैल्यू जीरो कैसे आएगी। तो हमें यही तो जानना है कि किसी की भी पावर जीरो होती है तो वन कैसी होती है, इसलिए हमने यहाँ पे दोनों के पावर को सेम किया है। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू एम और एन इन दोनों को इक्वल कर दिया जाए तो क्या हो जाएगी, पावर सेम हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये पावर सेम कर दिया हमने, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया कि एक्स की पावर में हमने यहाँ पे एन की वैल्यू एम में पुट कर दी है, एक्स की पावर में एम अपॉन में एक्स की पावर में एम, ये क्या हो गया, इक्वल टू में एक्स की पावर में एम माइनस एम। ठीक है, तो अब इसको काट दिया। ठीक है, कट सकता है, ये ऊपर भी सेम है, नीचे भी सेम है, पावर भी सेम है, नीचे का भी पावर सेम है। तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, एक्स की पावर में जीरो इक्वल टू वन। ये ऐसे ही प्रूफ हो गया है हमारा। तो आप सब इसको देखिए और समझिए कितने अच्छे से ये प्रूफ हो गया है, एक्स की पावर में एम डिवाइड बाई एक्स की पावर में एम इक्वल टू एक्स की पावर में एम माइनस एम, ये आइडेंटिटी थी। इसके बाद में इसको हमने ऐसे लिख दिया, एक्स की पावर में एम अपॉन में एक्स की पावर में एन इक्वल टू में एक्स की पावर में एम माइनस एन। इसके पावर को हमने क्या कर दिया, सेम कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे क्या हो गया, एक्स की पावर में एम अपॉन में एक्स की पावर में एम इक्वल टू एक्स की पावर में एम माइनस एम। तो इसको जब हमने काटा तो ये क्या वैल्यू दे दिया हमें, वन दे दिया वैल्यू, वैल्यू वन दे दिया। उसके बाद में यहाँ क्या हो गया, एक्स की वैल्यू जीरो, एक्स की पावर जीरो इक्वल टू वन। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, उम्मीद है कि बहुत पसंद आया होगा। और ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर करके जाइएगा, जिससे मुझे और खुशी मिलती है और मैं ऐसे ही और वीडियोज़ को बना पाऊँगा। और अगर आपको कोई भी टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जानना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग मी।